चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते एवरीवन, सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। एंड इस वीडियो के लिए मैं बेसिक्स नहीं पढ़ाने वाला, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के बेसिक्स पढ़ा के रखे हैं। मैं वहाँ से बेसिक्स का क्लिप उठा के यहाँ पे डालने वाला हूँ और उसके बाद हम प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। एंड अगर आपको बेसिक्स या वो क्लिप स्किप करना है तो उसके लिए टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। राइट, अब बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक्स में आपको पांच ऐसे छोटी छोटी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, बेसिक्स जब मैं सिखाऊंगा ऐसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें ना समझे, दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है, इसलिए रिलैक्स। दूसरी चीज़, ये जो गामा फंक्शंस है इसमें हमारा एक भगवान होता है और वो भगवान ये फॉर्मूला है या ये फॉर्म है। अब तीसरी चीज़ जो तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब भी गामा फंक्शंस में हमें एक प्रॉब्लम मिलता है, हमें ये देखना होता है कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि उसका डायरेक्ट आंसर निकलता है, और इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, मतलब जिसको हमें कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में उसका भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट आंसर निकलने के बाद जो भी क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है उसमें हम इजीली उसको ट्विस्ट, थोड़ा सा लाइक ट्विस्ट एंड टर्न करके प्रूफ कर सकते हैं। राइट, अगली चीज़ जो तुम लोग को समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसा करेंगे कैसे। ऐसा करने के लिए 99.99% ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, ई रेस टू माइनस के बाजू में जो भी होता है क्वेश्चन में उसको टी पुट कर देते हैं या उसको एक वेरिएबल पुट कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा हम 99.99% ऑफ द टाइम्स करते हैं, उससे क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको चीज़ें पता चलने लग जाएगी। अगली चीज़ जो तुम लोग को समझने की ज़रूरत है कि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने कही है वो हमेशा होती है अप्लाई, बट इस चैप्टर में गामा फंक्शंस के अंदर एक अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉग के क्वेश्चंस। लॉग के क्वेश्चंस में थोड़ी सी अलग चीज़ें होती है, उनमें भी ये सब चीज़ें होती है बट स्टार्टिंग उनकी अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो जब हम लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको मैं बता दूंगा कि उनकी स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं और उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, अब ये तीन छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये बेसिक्स के प्रॉब्लम है। जो इस वीडियो में हम बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो अलग है, वो बाद में है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है और जो हमारा फॉर्म है वो एकदम सेम है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, गामा एन प्लस वन है। राइट, सो गामा एन क्या है, एन 5/2 है, तो यहाँ पे 5/2 प्लस 1 विच इज़ 7/2, बट अभी भी हमें एक्चुअल वैल्यू मिला नहीं है क्योंकि यहाँ पे गामा है, तो गामा निकालना है हमें। तो क्या इसको मैं 5/2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो गामा 5/2 प्लस 1 अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर किया जाए तो गामा 5/2 प्लस 1 को हम 5/2 गामा 5/2 भी लिख सकते हैं, बट अभी भी गामा गया नहीं है, तो क्या इसको मैं गामा 3/2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो अगर इसी फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो गामा 3/2 प्लस 1 वुड बी 3/2 गामा 3/2, सो दैट इज़ 5/2 इंटू 3/2 गामा 3/2। राइट, बट अभी भी गामा गया नहीं है, तो क्या इसको मैं गामा 1/2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो गामा 1/2 प्लस 1 इसी फॉर्मूले के मदद से वुड बी 1/2 गामा 1/2, सो दैट इज़ 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, बट अभी भी गामा गया नहीं है, तो गामा 1/2 को हम अंडर रूट पाई भी लिख सकते हैं, सो दैट इज अंडर रूट पाई। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, देखो यहाँ पे 7/2 है, नीचे 2 है। राइट, तो 7-2 कर देंगे, दैट इज 5, और नीचे 2 वैसे का वैसा यहाँ पे सेम डाल देंगे। अब यहाँ पे नीचे 2 है ऊपर 5 है, तो 5-2 कर देंगे, दैट इज़ 3, नीचे 2 वैसे का वैसा, और यहाँ पे जो भी है वहाँ पे डाल दो। देन यहाँ पे ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 3-2 दैट इज़ 1, और नीचे 2 वैसे का वैसा, और यहाँ पे जो भी है वहाँ पे गामा के अंदर डाल दो, और उसी को हमने अंडर रूट पाई कन्वर्ट कर दिया, सिंपल एज दैट। बट ये जो ट्रिक है वो तभी अप्लाई होती है जब नीचे 2 है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, देखो 11-3 दैट इज़ 8/3, देन 8-3 दैट इज़ 5/3, 5-3 दैट इज़ 2/3, 2-3 दैट इज़, अब यहाँ पे माइनस में आंसर जा रहा है, जब आंसर माइनस में जा रहा है ना चीज़ें रुका दो, डायरेक्ट
2/3 लिख दो, खत्म। यहाँ पे भी हमने वैसे किया था, अगर 1 - 2 अगर किया तो माइनस में आंसर ज़्यादा है, चीज़े रुका दी, यहाँ पे डायरेक्टली गामा 1/2 लिख दिया, खत्म। ठीक है, ये आंसर आया। अब इधर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गामा 1/6 मैं वैसे का वैसे लिखूंगा, और क्या इसको मैं 1 - 1/6 लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। अब ये जो है और ये जो फॉर्म है वो सेम है, इसलिए जो फॉर्मूला है वो बस अप्लाई कर दिया जाएगा, दैट इज़ पाई अपॉन साइन एन पाई, एन क्या है 1/6, राइट, 1/6 पाई। अब साइन पाई बाय 6 क्या होता है, साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2, इसलिए पाई अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई, और ये उसका आंसर है। अब बेसिक्स हो गए, अब हम प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे, अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। जब भी हमें एक क्वेश्चन मिलता है, हमें ये देखना होता है कि कैसे हम हमारे क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर तुम हमारे क्वेश्चन को देखोगे तो हमारे क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन छुपे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसका डायरेक्ट आंसर होता ही है, और उस प्रोसेस में या डायरेक्ट आंसर निकलने के बाद तुम थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके हमारा फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो, ये उसका फायदा होता है, राइट। अब अगर हमारे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आए तो क्या दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करते बैठेंगे? नॉट नेसेसरी, इस क्वेश्चन में तो नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, दोनों को साथ में ही सॉल्व करेंगे एंड फाइनली दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एंड ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दोनों में क्या कॉमन है, ई के टकले पे माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी वही है, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू t, और हम हमेशा ही वैसे ही करते हैं, 99% ऑफ द टाइम्स e के टकले पे जो भी होता है माइनस के बाद उसको हम t पुट कर देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू t पुट किया, सो y इज इक्वल टू t रेज टू 1/2 होगा, देन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दैट इज dy इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज होगा, एंड dt वैसे का वैसा। अब आगे बढ़ेंगे, जब हम ऐसा ये पुट एंड ऑल दैट करते हैं, हमें ये देखना होता है कि क्या इसके वजह से हमारे लिमिट्स पे कोई फर्क पड़ा है क्या। सो y और t ये 2 वेरिएबल्स हैं, सो y और t, अगर y और लिमिट 0 और ∞ है, सो अगर y 0 है तो क्या t भी 0 होगा, y के जगह पे 0 डाल दो तो t भी 0 ही होगा, तो हाँ t भी 0 होगा। देन दूसरा है इन्फिनिटी, अगर y इन्फिनिटी होगा तो क्या t भी इन्फिनिटी होगा, y के जगह पे इन्फिनिटी डाल दो तो t भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, राइट right? मतलब अभी इसका मतलब यह है कि लिमिट्स चेंज नहीं है, लिमिट्स वही होने वाले हैं। सो जो भी हमने निकाला है हम बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 0 to ∞ अंडर रूट वाई, दैट इज वाई का क्या वैल्यू है, टी रेज टू 1/2, और क्योंकि अंडर रूट है तो रेज टू 1/2 होगा, सो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, टी रेज टू 1/2 एंड अंडर रूट का 1/2। आई होप ये आपको पता होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है। अब क्या है आगे, ई रेज टू माइनस, इसको हमने टी लिया था, टी एंड डी वाई, वट दैल इज डी वाई, डी वाई इज दिस 1/2, टी रेज टू माइनस 1/2 डी टी मल्टीप्लाई, सेम 0 to ∞, देन ई रेज टू माइनस टी, रेज टू माइनस टी, अब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो दैट वुड बी y रेस टू माइनस 1/2, राइट। सो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू t रेस टू 1/2 है, तो t रेस टू 1/2 माइनस 1/2, एंड dy, dy क्या है 1/2 t रेस टू माइनस 1/2 dt। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, ये जो 1/2 है और ये जो 1/2 है दोनों मल्टीप्लाई होके बाहर आएंगे एंड दैट वुड बी 1/4, 0 to ∞ टी रेज टू मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 1/4, एंड ये इधर ला लेंगे, दैट इज माइनस 1/2 ई रेज टू माइनस टी डी टी, 0 to ∞ ई रेज टू माइनस टी मल्टीप्लीकेशन टी रेज टू माइनस 1/4, एंड उसके बाद ये बचा हुआ था, सो टी रेज टू माइनस 1/2 डी टी। अब आगे 1/4 0 to ∞ अगर तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ये एडिशन होगा, राइट, दैट इज 1/4 माइनस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 - 4/8 माइनस
2 upon 8 minus 1 upon 4. So that is t raised to minus 1 upon 4. और ये इधर वैसा का वैसा. इसको मैं इधर क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्म से सिमिलर आता है, ठीक है. एंड dt टी इंटू जीरो टू इन्फिनिटी e raised to minus t. एंड इसको कैलकुलेट करोगे तो ऊपर प्लस होगा, दैट इज माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज माइनस टू माइनस फोर अपॉन एट माइनस सिक्स अपॉन एट माइनस थ्री अपॉन फोर. सो दैट इज टी रेज टू माइनस थ्री अपॉन फोर डी टी. ये आया. अब ये जो है और तुम्हारा जो फॉर्म है सिमिलर है एकदम, और ये जो है तुम्हारा जो फॉर्म है सिमिलर है एकदम. अब इनके इनके आंसर्स निकाले जाएंगे. सो इज इक्वल टू वन अपॉन फोर. अब क्योंकि ये और फॉर्म सेम है तो फॉर्म का आंसर क्या है? गामा एन प्लस वन. जहां पे अभी यहाँ पे एन क्या है? माइनस वन अपॉन फोर. सो दैट इज गामा माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन. गामा माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन. एंड यहाँ पे भी ये वाला फॉर्म और वो फॉर्म सेम है तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है? माइनस थ्री अपॉन फोर. और आंसर क्या निकलता है? एन प्लस वन गामा. तो माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस वन. माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस वन. नाउ वन अपॉन फोर अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट इज फोर माइनस वन प्लस फोर, दैट इज थ्री अपॉन फोर. अब आगे इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, इसको मैं वन माइनस थ्री अपॉन फोर लिखूंगा, जो कि वही है बेसिकली. इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा तुम लोगों को बाद में पता चलेगा. वन अपॉन फोर. अब क्या ये और ये फॉर्म सेम है? ऑफकोर्स ये फॉर्म सेम है, ठीक है. तो इसका आंसर क्या है? पाए अपॉन साइन एन पाए. एन क्या है? थ्री अपॉन फोर, राइट. सो इसलिए थ्री अपॉन फोर पाए. लाइक दोनों में एन सेम है, राइट. सो थ्री अपॉन फोर पाए. अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा पाए अपॉन फोर इंटू साइन 135 इंटू थ्री अपॉन फोर. और साइन 135 इज अंडर रूट टू अपॉन टू. तो अंडर रूट टू अपॉन टू. ये यहाँ पे टू, दैट इज पाए अपॉन टू रूट टू. क्या ये और ये सेम है? ऑफकोर्स सेम है. तो ये आपका फाइनल आंसर है, हैंस प्रूफ्ड. व्हाट्सअप प्लानिटो जसामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं. नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे. इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए. और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है, और इसलिए आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो. और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट. इसलिए अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.